साहिल, पार्थ। यस सर। जैसे ही सर ने मेरी और पार्थ की तरफ देखा, अगर मेरी हार्ट रेट वाला मीटर लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता। आपने सारी स्टेजेस इतनी सच्चाई से किया, इतनी इंटेग्रिटी से किया, इट वॉज रियली गुड। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग की एक जो जर्नीज है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंची है। जब ये कम्युनिकेशन कर रहे थे, इन्होंने हार नहीं मानी और ये जल्दबाजी में भी नहीं थे। ये मुझे ऐसा लगा ये भूल गए थे कि ये किसी रियलिटी शो में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वेरी ट्रू। आप लोगों को परवाह नहीं था कि ये सुबह के 2 बज रहे हैं, फिनाले है, जीतना है। मुझे एक अलग, एक नया पार्ट दिखा आज। आज जो आपने अपने आप को खोला अपने लिए, हमारे सामने कैमरास की परवाह नहीं करते हुए आपने अपना वनरेबल साइड, अगर मैं इसको थोड़ा लाइटर वे में बोलूं, आपके अंदर जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी आपने आज वो तोड़ दी। इस चीज के लिए एक बहुत साहस की जरूरत होती है। आपने एक सवाल पूछा एंटिटी से, आप जानते हैं कि मैं ये एक वॉल मेंटेन करता हूं, अंदर से डरता हूं और दिखाता नहीं हूं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है जो मुझे बाहर से डर नहीं लगता वो सिर्फ मेरा आउटर शेल है। Come here. ये क्लैप्स जो है ये आपके लिए हैं। थैंक यू सर। आपके साहस के लिए। साहिल, आपकी बहुत अद्भुत जर्नी रही अभी तक के, और आज आपके इन्वेस्टिगेशन में, आपके कम्युनिकेशन में, सर्वजीत, पूजा, मैंने, हम लोग ने बैठ के एक और बहुत प्यारी चीज़ देखी कि आप इमोशनल हुए, आपने अपना जो ट्रॉमा था वो रिवील किया। जो भी था था, हो गया, अब सारा पार्ट हो गया। नहीं हो मेरे साथ, जिसके साथ होगी, जिस जहाँ भी है खुश है, मैं उसके लिए खुश हूँ। मुझे पता है वो लड़का जो पहले दिन आया था और इन्वेस्टिगेट कर रहा था और बोल रहा था, रो रहा था और कह रहा था मैं अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहता, मैं नहीं चाहता दुनिया मुझे रोते हुए देखे, आज वो इंसान पूरी दुनिया के सामने अगेन कैमरास को भूलते हुए, उनकी परवाह नहीं करते हुए, आपने अपना जो ट्रिगर है उसको बहुत सच्चाई से किया, आपने अपने आप को ओपन किया, और आपको जो ट्रॉमा है जो आपके साथ पर्सनल लाइफ में हुआ उसको आपने एंटिटीज के साथ शेयर किया और अपना ट्रिगर बहुत अच्छे से किया, और एक नई चीज बाहर निकली, आपने अपने डर को काबू किया। हाँ सर। आपने वहां बोला कि आज मैं नहीं डर रहा। तो दुख होता है, सबको होता है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं इससे डरता रहूंगा या तुम लोग मेरे दिमाग में घुस के मुझे परेशान करने की, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ सर, ये तो मुझे भी बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है अभी तक। ये अंदर से आई थी, ये आपकी आत्मा से आई, ये बहुत जेन्युइन थी। वेल डन। थैंक यू। थैंक यू सर।